जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने जजपा कार्यालय में ऐलान करते हुए कहा कि जिस दिन जजपा के 46 विधायक होंगे उस दिन चंडीगढ़ के दफ्तर जींद में खुला करेंगे। जींद को राजधानी बनाने का काम किया जाएगा। जजपा शरीर है तो इसका दिल जींद जिले के लोग हैं। उचाना वालों का एहसान सात पीढ़ी तक चुकता नहीं कर सकते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना में आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाने का काम आने वाले 2.5 साल में करने का काम करेंगे। जजपा कार्यालय में इंसो की ओर से आयोजित क्रिकेट किट वितरित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आप लोगों के बीच बहकाने वाले आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। किसान आंदोलन में दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा मांगा गया था। दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा दे देते तो जिन प्रोजेक्टों पर काम होना था क्या उन पर काम हो पाता? जो क्षेत्र के विकास को लेकर सपने संजोए गए थे क्या वो पूरे हो पाते? यहाँ के लोगों को अब से पहले बहकाया गया, झूठ बोलकर वोट लिए गए। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 47,000 मतों से हल्के के लोगों ने दुष्यंत चौटाला को विजय बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बनने से अपने इलाके में इतनी ताकत आ सकती है। जब उप हट गया और अपना मुख्यमंत्री बन गया तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। जो हमारा इंसो विंग है उसकी तरफ से हर गांव को, प्रत्येक गांव को खेल की, क्रिकेट की किटें बांटी गई। हमारा मकसद आज का ये कार्यक्रम करने का ही है कि दुष्यंत जी ने इस क्षेत्र के लिए एक सपना सजोया है, इस जिले के लिए, कि अच्छी से अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम गांव के स्तर के हमारे जो भाई हैं और इक्विपमेंट्स, खेलने वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अच्छा सामान हम युवा भाइयों को खेलने के लिए दें, जिससे कि वो वर्ल्ड स्टेज तक कहीं भी ये महसूस ना करें कि गरीब घरों के बच्चे, आम घरों के बच्चे, गाँव के हमारे नौजवान भाई किसी भी तरह से शहरवासियों से या बड़े शहर के जो खिलाड़ी हैं उनसे पीछे रहें। वो हर संभवतः हमारा प्रयास है। यहाँ पर एक स्टेडियम बनाने का भी, इंडोर स्टेडियम का भी दुष्यंत जी का एक प्रयास है कि ऐसा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बने जिसकी गूंज जो है दूर तक हो। सर, किट से पहले कहीं ना कहीं, मतलब ये आपको नहीं नजर आया कि किट से पहले स्टेडियम देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल स्टेडियम का प्रयास जारी है कोविड काल कर करके, और उसके पश्चात किसान का आंदोलन चलता रहा। ये दो ऐसा वो रहा कि 2.25 साल जितना डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, मगर आपने देखा कि एकदम कितनी गति पीछे कुछ समय में आई है। और ये भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि पूरे के पूरे आपके उचाना में जो जो गांव हैं उसमें अच्छे स्टेडियम हम कम से कम बचे हुए 2.5 साल के अंदर बनवा पाए। जी सर, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की समस्या आ रही है, उसके लिए हमने जगदीश जी जो यहाँ के जो इंचार्ज है उनके द्वारा भी कॉल की जाती है, मगर जो अधिकारी जो बैठे हैं वो कोई समस्या सुनते नहीं है। ऐसा है निश्चित तौर पर, ये अगर आपने बात संज्ञान में हमारी डाली है, दुष्यंत जी तक पहुंचाएंगे, डिप्टी सीएम साहब तक रखेंगे, और इस पर जो और भी जो पानी की समस्या है उसके लिए जांच गांव के अंदर भी एक वो सर्वे अब शहर मेरे हिसाब से जारी है और बहुत जल्द उसकी वो जो है ना चाना का जो बस स्टैंड है सर, बस स्टैंड के ऊपर भी दुष्यंत जी ने भी एक टिप्पणी दी थी पीछे जब मुलाकात हुई उनके साथ, मगर अभी तक बस स्टैंड का कोई भी समाधान नहीं हुआ है, ना ही उसके साथ कोई लाइन जो ज्वाइंट हुई है, और वहाँ का जो हाल है वो बहुत बंजर है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आपने बात रखी है पहुँचाएंगे दुष्यंत जी तक, और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। यहाँ के बाईपास बनाने की भी बात है, दुष्यंत जी ने उसके बारे में भी चर्चा की। हाँ, बाईपास पर ही शायद, क्या पता नए बस स्टैंड के प्रपोजल की वो सोच रहे हैं। यहाँ के जो अभी स्टेडियम है सर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, जो प्ले ग्राउंड है, तो जब तक हमारा स्टेडियम बनेगा जो आप आगे प्रपोजल कर रहे हैं, नहीं उससे पहले उनके सुधार के भी, और हर गांव के अंदर जो स्टेडियम है उनके सुधार की, को ट्रैक है उनके सुधार की, वो व्यवस्था भी अगले कुछ समय में हम करवाने में कामयाब होंगे, सारे के सारे उचाना में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में, पूरे जींद।